सकते ना कि किस किस जगह पे उनको दर्द हो रहा है, राइट राइट बिल्कुल सर। राइट? तो भाई नहीं मानना चाहिए। जितने भी लोग बैठे हुए हैं भाई, कसम खाओ कि भाई अगर कोई बेजुबान जानवर को मार रहा होगा तुम्हारे सामने, तो भाई एटलीस्ट तुम उसको रोकोगे, उसके तुम हाथ पकड़ लोगे। जितने भी लोग बैठे हुए सब साले हरामी लोग, कसम खाओ कि अगर कैसा होगा यार, बेजुबान जानवरों की दुआ में है ना बहुत ताकत होती है। भाई देखो, मैंने तो एक बार आप लोगों को गुरु मंत्र भी दिया था कि भाई हर रोज मेरी चींचियों को मैं खाना खिलाता हूँ, क्योंकि आई हैव नो चॉइस टू फीडिंग अ डॉग्स, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, राइट? कि भाई गाय और सब लोग इधर उधर किधर घूम रहे हैं, तो मैं चींचियों को खाना खिलाता हूँ। भाई वही मेरा सबसे मेरी प्रोग्रेस। भाई जितनी जितनी बार मैंने ऐसे आंख बंद करके पैसे लगाए ना मेरी चींचियों को याद करके, भाई हमेशा वो स्टॉक मेरा निकला ही निकला है। 95% टाइम, 95% टाइम वेरा स्टॉक निकला ही है अभी वो। अरे यार अपन लोगों की बहुत आदतें सेम है यार पनोड़ी भाई, अभी मुझे समझ में आ रहा है यार। क्या बात कर मेरी रहे भी हो? कसम से मैं चींटियों को दाना हर दिन खिलाता हूँ। ओह माय गॉड, मैं तो एवरीडे हाँ फील करता हूँ। गिरा हाँ इंसान भाई, मैं भी यही करता हूँ। ये चींचियां बोलते हैं चिड़ियों को। हाँ मैं चिड़ियों को भी खिलाता हूँ भाई, चिड़ियों को भी दाना देता हूँ, डेली का काम है। और चींटी को शक्कर डालता हूँ मैं, वाह देखो भाई, और इंसानों की माँ चोते हैं फिर हम दोनों, पनोड़ी भाई भी इंसानों की गाड़ मार देते हैं। तो इसीलिए यार पनोड़ी इसीलिए हम भाई लोगों बताओ, अरे भाई इसीलिए हमारे पास पैसा है और हम ऊपर बैठे हैं भाई, क्योंकि हम एनिमल्स को प्यार करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको दाना देते हैं भाई। चलो अब इतनी बात निकल रही है तो मैं बोल दे रहा हूँ, पर सूफी भाई राजस्थान में मैं गाय के लिए चारा दिलवाता हूँ हर दिन, तो मुझे अच्छा लगता है यार। भैया इसको किसी कर दो, एक किसी कर दो भाई। शादी देखो भाई, देखो मैं हवाबाजी नहीं, मैं छोड़ो यार, मैं हवाबाज हूं ही नहीं। देखो भाई चीचिया खाना खा रही है, देख रहे हो? देख लो, वाह हाँ वो डाला है आपने देखो ये सही है। चीचिया भी आ गई, देखो भाई चीचिया भी आ गई, देखो भाई, राइट? तो अब जब एकदम छोटे छोटे वो छोटे छोटे पार्ट्स रह जाते हैं ना, फिर वो जो कीड़ी जिसको हम बोलते हैं कीची, कीड़ी बोलते हैं ना, वो छोटे छोटे होते हैं, फिर वो लोग वो फूड खा लेते हैं। ये पंजाबी है पनोड़ी भाई, बिल्कुल पंजाबी। चीटी चीटी को बोल रहे हैं क्या ये? चीटी चीटी, को बोल, हाँ 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 चीटी, चीटिया, हाँ फिर वो लोग थोड़ा वो दूसरा फूड, यू हाँ नो, वो छोटे हाँ हाँ छोटे हाँ पीसीज होते हैं, फिर वो खा लेती है, रस टाइप का। राइट? तो भाई यही सारी चीजों से मैं जिंदगी में ये मतलब देखो मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पनोड़ी भाई, जो चीजें आपने बताया है ना वो इंसान अगर करता है तो बहुत ग्रोथ होती है उसकी, दिन दुगनी चार चौगनी। सही बहुत बात, बहुत होती है भाई। एनिमल्स की सेवा करो भाई, कुत्तों को खाना खिलाओ, बिल्लियों को खिलाओ भाई, नफरत मत करो, बिल्लियों से भी नफरत मत करो। लोग कहते हैं मनुष्य, भाई कुछ मनुष्य नहीं, तुम जाओ यूरोप में जाओ, फॉरेन कंट्री में जाओ, बिल्लियां घूमती हैं, कुत्ते कम है वहां पे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात, अच्छा ये भी होता है जिनके घर में पेट्स होते हैं ना सूफी भाई, स्ट्रेस नहीं आता उनको, बिल्कुल भी स्ट्रेस आ ही नहीं सकता, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहती, और बहुत टाइम पास भी बहुत अच्छा हो जाता है, काफी फनी एक्टिविटीज होती है उनके साथ। हम देखो कितने अच्छे हैं भैया, रात को भाई गुलाब जामुन खा रहे हैं, और ये बिखाची लोग बैठे हैं भाई, खाना खाया नहीं क्योंकि ये चींटियों को खिलाते नहीं। एक बंदा कमेंट कर रहा है कुछ सूफी को डाल दो पनोड़ी भाई। पनोड़ी भाई ने मुझे भी डाला हुआ है भाई, फेम डाला हुआ है पनोड़ी भाई ने, बहुत खाया मैंने पनोड़ी भाई का हराम का फेम। अच्छा मेरी मेरी जो एक फर्स्ट लाइव हुई थी वो पनोड़ी भाई के साथ में, उस लाइव को डालने से मेरे को 500 सब्सक्राइबर मिले थे, 500। अच्छा यूट्यूब में हाँ हाँ एक दिन में 500 सब्सक्राइबर। किसने?
जो नहीं मेरी देखो लाइव हुई थी ना आपके साथ। ये कोई मतलब अगर आज की डेट में YouTube में किसी की लाइव देखी जाती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि पनोड़ी भाई के अलावा किसी की लाइव में देखी जाती है। नहीं, देखते हैं अलग अलग नहीं कैटेगरी। मतलब व्यू व्यू मतलब YouTube में स्पेशली इस चीज के लिए सर्च करने जाना कि हाँ लाइव में क्या हुआ कैसे हुआ। राइट 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 अब जैसे क्या है कि सर्च क्या करेंगे, अब जैसे स्काई और अंकुर महाजन, क्योंकि वो इनके साथ इंगेज है ना, पनोड़ी भाई के साथ अभी जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है, तो अब हाँ। वो उसकी लाइव जाके देखेंगे, ऐसा होता अरे कुछ हरामी है। यूट्यूबर तो सबका नाम भी नहीं लिखते भाई, वो दीपक हाँ पनोड़ी का ही नाम लिखते हैं बस। पहले दीपक भाई की, नो डाउट पहले दीपक भाई की लाइव बहुत देखी जाती थी। हाँ, नहीं, अभी भी हाँ जो सबसे ज्यादा व्यूज है ना वो दीपक दीपक कलाल की लाइव में होती है, मतलब उसकी वीडियो में। वो तो मेरी भी बहुत वीडियोस है पहले के जिनके वीडियो अंदर अपलोड है ना। 3-3 लाख 4-4 लाख व्यूज है, वो दीपक कलाल की लाइव पे वीडियोस पे। पनोड़ी भाई की लेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा व्यू वाली लाइव कौन सी होगी यूट्यूब में, मतलब है क्या कोई मिलियंस के पार? मेरी एक पहुंचने वाली है जो कि आई मिलियंस? थिंक 80,000 है, बाकी और लोगों के लाइव में तो है काफी। अच्छा मिलियन के आसपास पहुंच चुकी है क्या? नहीं, मिलियन तो नहीं पहुंची है, बट 3-4 लाख की है काफी सारी वीडियो। अच्छा, फेसबुक हाँ में तो देखा है मैंने पनोड़ी भाई की मिलियंस के पार फेसबुक में। अच्छा, फेसबुक तो यूज नहीं करते अब, बहुत कम कर दिया लोगों ने आपके भी आई थिंक। साथ रह के ना जो इंसान भाई इतना आराम से हो गया हूँ, मुझे पता अब मेरी वाइफ सो गई, अभी मैं वीडियो कॉल करूंगा वो मुझे सुबह गाली देगी, बोले क्या हुआ, मैं बोल बस नहीं तुम्हें मिस कर रहा था भाई, कुछ नहीं देखा क्या हुआ? भाई। मैं मुझे अच्छा लगने लग गया भाई लोगों को तंग कर, क्यों भाई। चैनल के ऊपर ना वो हैशटैग सेट हो जाते हैं, तो मेरे जितनी भी वीडियोस होती हैं उसके अंदर पनोड़ी भाई के जो हैशटैग है, पनोड़ी लाइव और पनोड़ी, ये हैशटैग काफी हो गए। तो ये हैशटैग जाके कोई भी यूज करता है ना, सर्च करता है यूट्यूब पे, तो मोस्ट प्रोबली मेरा चैनल दिख जाता है, तो एक उसकी भी बात होती है। सोपी भाई फोन आ रहा है, ऐड होता हूँ मैं। ओके काम आएगी। क्या हुआ, चला गया अभी वो सचिन? हाँ यार पनोड़ी भाई, उसके माँ बाप उसकी गांड तोड़ रहे हैं, उसका वीडियो पता चल गया उसके घर में मुझे तो ये नहीं यूट्यूब। पता चल रहा कि उसके माँ बाप उसको डांट क्यों रहे हैं। मैं तो अभी वो बोल रहा था ना कि मेरे मम्मी डैडी को पता चल गया, तो मैं तो वो सोच के चकरा गया। मैंने बोला अच्छा इसके मम्मी डैडी को कैसे प्रॉब्लम हो सकता है भाई, मुझे तो वो क्वेश्चन पूछना रहा भाई। सचिन अगर तू नीचे बैठा है तो इस भाई बात का एक जरा, मिनट, सूपी भाई मैं नीचे जाता हूँ, सचिन होगा तो उसको ऊपर उठा लो। मैं नहीं चले मैं जाता जाता हूँ, आप बैठो आप बैठो, मैं जाता हूँ। हूँ, नहीं नहीं मैं चले जाता हूँ, आप मेरी जगह ऐड कर लेते। पनोड़ी भाई इसको अमेरिका भेज दूं आपके पास, किसको? ये काले सचिन, को टिकट विकेट मैं स्पॉन्सर कर दूंगा भाई, वीजा भी लगवा अरे दूंगा मुझे जय बोले की पनोड़ी भैया भाई, जय बोले की। मुझे तो ये बता, ये तेरी मम्मी डैडी को प्रॉब्लम क्यों हुई तेरी यूट्यूब की लाइव देख के? बोल रहे थे। माता चौथ, तू ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, लोगों के चक्कर में कतई अरे डांट लेकिन मार। तुम तो अरे लेकिन सचिन भैया तुम तो रियल लाइफ में ऐसे ही हो ना, तुम तो रियल लाइफ में ऐसे ही खाना बाना खाते हो। नहीं, अपना सब अच्छा है यार, घर का और सब अपना सब अच्छा भी है, भी काम धंधे करते अपन, ये हरकत करते हैं। तो तुमने ये खाना बाना खाया, ये सब मिक्स एंड मैच करके, तो तुमने ये सब व्यूअर्स के चक्कर में किया भाई? हाँ कहते हाँ तुमने तो व्यूअर्स का चूतिया काट लिया सचिन भैया, लोगों को तो ऐसा ही लगता था कि भाई तुम रियल लाइफ में ऐसे ही हो। अरे व्यूअर तुम्हारी माँ के, जो तुमको मार डालूंगा व्यूअर, तुम किधर भी देखो, तुम व्यूअर तुम्हारी बहन जो 303 बार अच्छा तो तुम्हारी तुम माँ रियल लाइफ में, तुम ऐसे नहीं हो, तुम रियल लाइफ में ये चाय पीना ये सारी चीजें ऐसे सिर्फ कैमरे के सामने करते हो ये सब? व्यूअर लोग की माँ की जो बनोनी भैया, व्यूअर लोग की माँ जो तुम मेरे पास से। भाई सचिन भैया सुनो मेरी बात सुनो, देखो मम्मी पापा की सुनोगे ना तो जिंदगी में तुम आगे नहीं बढ़ोगे।
सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मम्मी पापा की जितनी बात होती है ना उसमें से आधी बातें सुनो आधी बातें मत सुनो। अब तुम खुद सोचो भाई, देखो माफ करना सचिन भैया, लेकिन तुम खुद सोचो सचिन भैया के तुम्हारे मम्मी पापा को, हाँ बोलो, जैसे भी जिंदगी झाट हो गई है तुम जो मर्जी बोलो कुछ फर्क मत पड़ता है मेनू। अरे सचिन भैया ये पुराने डायलॉग मेरे बहुत अब घिसे पीटे हो चुके हैं, मैं कुछ नए डायलॉग्स लाने वाला हूँ मार्केट में, तो सुनो मेरी बात। अब तुम्हारी शादी तो होने से रही, जिस तरह की तुम शकल लेके पैदा हुए हो, साला फिल्टर लगाते हो फिर भी तुम्हारी उंगली और तुम्हारे पैर काले दिखते हैं, तो फिर तुम्हारे माँ बाप को प्रॉब्लम किस बात की है? तुम्हारे माँ बाप इसी वजह से ही डर रहे ना कि हमारे सचिन की शादी नहीं होगी, तो तुमने मम्मी को ये नहीं बताया कि मम्मी ऐसे ही मेरी शादी नहीं होने वाली है? कतई भूखा मरूंगा, कतई कतई साबुत भूखा मरूंगा मैं, कतई गंदा हूं मैं, क्या करूं यार। अरे सचिन भैया ऐसे ही तुम्हारी इज्जत तो कोई है नहीं, कौन से तुम बड़े आईटी कंपनी में कोई बड़ी पोस्ट पे काम करते हो, कौन सा तुमने सलमान खान के जैसे सकल सूरत पा रखी है, तुम्हारे पैर काले है, तुम्हारा मुंह काला, सुअर जैसे तुम्हारे होठ हो रखे है, ऐसे भी कोई लड़की तुमको शादी करेगी नहीं, तो इज्जत तुम्हारी है ही नहीं, तो इज्जत जाएगी कैसे? इज्जत गंवाने के लिए इज्जत तो होनी चाहिए ना सचिन भैया, तुमने मम्मी पापा को ये नहीं पूछा कि हमारी तो इज्जत ही नहीं है? अरे पनोली भैया मैं जा रहा हूँ, कल कल वाले मुझे मारने डाले आपकी आपकी बातें सुन के, बाय लव यू पनोली भैया। अरे रुको रुको सचिन भैया, कैमरा तो ऑन कर, भाग गया बहन। सचिन भैया तो थोड़ी रोस्टिंग में भाग गए। अरे यार ये मोनिका कौन है, रियल है फेक है भाई, कुछ पता नहीं, शायद फेक है वो, आई थिंक गाली वाली लिखती रहती है वो, आई थिंक। अच्छा अच्छा वो फेक है। तो वहां तो अब हॉलीडे स्टार्ट हो गए ना परोड़ी भाई? नहीं अभी तो नवंबर के लास्ट वीक से हॉलीवुड हॉलीडे शुरू हो गए, नवंबर के लास्ट वीक में होता है थैंक्सगिविंग। हाँ हाँ तो 24 नवंबर मतलब 20 नवंबर से हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगे 1 जनवरी तक। तो बिजनेस काफी बढ़ जाता है इस टाइम पे तो। हाँ 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 क्योंकि मैं भी एक हमारा भी अमेरिका का एक क्लाइंट है, तो न्यूयॉर्क का ही है वो भी, और टाइम स्ट्रीट गार्डन का ही। अच्छा, तो अच्छा, काफी बिकती है उस टाइम पे। तो शंकर भैया मैं गिरा हुआ इंसान को लूं आपकी जगह पे? ये तो मलाइका आई। हाँ मेरी जगह ले लो, मेरी जगह ले लो। अरे मलाइका मुझे लगा शंकर आप किससे बोल रहे हो, तुम तो बहुत वायरल हो रही हो यार मलाइका। क्या बात है भाई। हेलो मलाइका जी, हेलो। अरे काले भैया यार थोड़ा मौका दे दे हमें रोस्टिंग का, लोग नीचे बहुत हंस रहे थे काले भैया तो बात ले। ओके बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय। तो फिर कहाँ पे वायरल हो रहे हो, चंडीगढ़ में? अरे मेरे को तो तुम्हारी वो आई है भाई, वीडियोस आई भाई, मैं तो देख के हैरान भाई मलाइका, कसम से। क्या वीडियो आई? अरे तुम तो कतई खूबसूरत हो, मुझे मालूम मत था, क्या बुरा है, सब अच्छा है। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं करता, तुम्हें मालूम मैं ऐसा कभी मजाक नहीं करता, वो भी लड़कियों के साथ। कहीं मेरा मुंह लगा के किसी ने गंदा वर्ड तो नहीं दे दिया था? आई चार्ज यू स्ट्रेट आफ्टर। मुंह तो तुम्हारा ही था। यस बिकॉज दे गाइस डोंट स्कैन, दे पुट पासवर्ड। ही स्कैन इट सो क्या पता, अब क्या पता, बिकॉज आई यूज पासवर्ड बड़ी यू नो। टैटू था क्या हाथ में? दिखाऊं क्या? $2 सच्ची में दिखाओ। मैं कभी ऐसा काम नहीं करता मेरी जिंदगी में। ब्लैक एंड व्हाइट? नो नो, लेट मी सी। ये तो बताया ना
तो दिखा दो जन। मेरी कोई बहन नहीं है मलाइका सुन, बट मैं दूसरों की बहनों की इज्जत नहीं उछालता हूँ। ब्लूबेरी मैं पागलू सुन। Hold on, I have chocolate chip cookies. समझ गया? आवाज कट रही है। You want that? आवाज कट रही है। मैं बोल रही हूँ आज तक मैंने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया जो मैं डरू, इसलिए तो इधर ऊंची आवाज से बात करती हूँ। अच्छा मैं तुम्हें ना डीएम में भेज दूंगा, मेरे को किसी ने भेजी थी, मुझे लगा सब जगह वायरल आई ये चीजें। फिर उसकी वो कर ली है ना करली बे, करली बे है ना करली बे, मेबी सेवन और एट डॉलर। अरे वो झांठो जैसे बाल है जिसके बहन चोद के करली बे मादर चोद औरत, टू बक्स पता नहीं उसकी भी आई है और एक और आई है भाई मेरे पास, तीसरी किसकी थी डीएम में भेजू, डीएम में भेजूंगा, चिंता मत कर भाई, अपने अपने कोई अपने दिल में कभी मलाल मत है। अरे नहीं मैं वो नहीं बोल रही हूँ, आज तक मेरे डीएम में कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई किसी से, तो मैं क्यों डरू। समझ गए। बट वो वाली वीडियो बहुत अच्छी थी तेरी, मैंने देखी वो ऐसे वाली। तो क्या पनोड़ी भैया कौन सी वाली? एक एक वीडियो ना जिसमें ये ऐसे करती है, पता नहीं किसी अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे। नहीं मैं कल भाई जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल मैं ये क्या नाम है स्काई, स्काई की मैं स्काई की न्यूट्स मैं कल वायरल करूंगा। मेरा कर दो कोई, मैं वायरल हो जिसकी है उसकी करूंगा भाई मैं, ठीक है? कल स्काई की न्यूट्स वायरल होगी। अभी मुझे भाई जिन लोगों को भाई जिन लोगों को भी मूठ मारनी है ना भाई, मूठ मार के भोसड़ी वालों एटलीस्ट मुझे ब्लेजिंग देना कि पनोड़ी भैया ने क्या मजा दिला दिया। वो जो सरापत का चोला पहन के घूमती है ना कि मेरा तो कुछ भी ऐसा नहीं है, कभी कोई दिखा दो मैं मान जाऊंगी, तो तू कल मान जाएगी खुद को कि तू रंडी है। मेरा भी था जो मैं भी मान जाऊंगी। पता है मुझे अंदर ना चुल है वायरल होने का, तो मैं अभी सोच रही हूँ किसी से डीएम में जाऊं ऐसे से करूं बना ले वीडियो और भी कुछ करूंगी। तू भी ऐसा कोई बंदा है क्या जिसके साथ मैं डीएम में ऐसे नॉटी करूं? आ जाओ फिर अमेरिकन ड्रीम्स, जाओ अमेरिका भाई। मुझे पता है मेरे को जो फोटो आते हैं ना मेरे मुंह लगा के ऐसे लड़की ऐसे करके बैठी है, तो मैं बोली भाई मेरा तो टैटू ही नहीं है पूरे हाथ वाला टैटू और मेरा चेहरा, तो बहुत हंसी आती है। अरे नहीं है, बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, चेहरा किसी का बॉडी किसी की। आई नो यार मेरे दोस्त हो तुम, मैं मजाक भाई। देखो मैं एडवांस में बोल देता हूँ, अगर मेरे लड़की पिक्चर्स वायरल होती है तो जितने भी व्यूअर्स है ये वो बात को याद रखना, मेरे लंड पे छह तिल है, छह तिल है मेरे लंड पे, और मेरे नीचे एक ही तिल है। पागल है क्या मैं, कैसी बातें कर रहे हो यार? तो चार तिल बड़े बड़े हैं जो आपको दिखाई देंगे, दो तिल नीचे की ओर है तो वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन चार तिल अगर आपको दिख जाए मीन्स के वो पनोनी भैया का लंड है।